तो इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आपको हम बता रहे हैं। श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट। श्रद्धा ने के पिता ने सजाए मौत की मांग की है। श्रद्धा के पिता ने फांसी की सजा की मांग की है। उन्होंने कहा कि मुझसे ज्यादा बात नहीं करती थी श्रद्धा, मैं कभी भी आफताब के संपर्क में नहीं था। जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है, ये श्रद्धा के पिता का कहना, जो मुंबई से उनका परिवार आज पहुंचा दिल्ली। और अब श्रद्धा के पिता ये कहते हैं कि फांसी से कम अब कुछ भी नहीं। सजाए मौत की मांग श्रद्धा के पिता की तरफ से की गई है। उन्होंने कहा कि श्रद्धा की मुझसे ज्यादा बात नहीं होती थी और इसीलिए आफताब से तो मैं कभी संपर्क में ही नहीं था। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस की जो जांच है वो सही दिशा में चल रही है। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। आफताब क्यों मारा? आफताब क्यों मारा? आफताब श्रद्धा को क्यों मारा? आफताब श्रद्धा को क्यों मारा? आफताब श्रद्धा को क्यों मारा? आफताब क्यों मारा? श्रद्धा को क्यों मारा? क्यों मारा श्रद्धा को? आफताब श्रद्धा को क्यों मारा? आफताब कुछ बोलेगा? आफताब जवाब दो। ये सिर्फ एक एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1,00,000 तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आफताब जवाब दो। आफताब क्यों मारा? अच्छा अच्छा बंद कर, बंद कर। देखिए जो आफताब है वो इसी के अंदर मौजूद है गाड़ी में। तो आपने सुना कि आफताब से पूछा जा रहा है। देखिए सब में आक्रोश है और आक्रोश अपने आप में स्वाभाविक है। जिस तरह का ये मामला सामने आया है, सबके मन में आफताब के प्रति गुस्सा है, क्योंकि वही दरिंदा है जिसने एक बार भी नहीं सोचा कि जिस श्रद्धा का वो कत्ल करने जा रहा है, वो श्रद्धा उसके लिए दुनिया से लड़ रही है। वो श्रद्धा इस रिश्ते को इतना मौका देना चाहती थी कि वो मुंबई से दिल्ली आ गई। उसने 3 साल ये रिश्ता निभाया और उसके बाद भी वो इसके साथ उसी घर में रहती रही जब उसे अपनी जान का खतरा भी आफताब से था। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि कितना निर्मम ये व्यक्ति रहा होगा। इंसान की श्रेणी में तो नहीं लाया जा सकता इस आफताब को, इंसान कहकर संबोधित नहीं किया जा सकता, क्योंकि दरिंदगी की सारी हदें पार इस आफताब ने कर दी। जो कहानी मुंबई से शुरू हुई थी उसका इतना दर्दनाक अंत दिल्ली में हुआ। इस समय आफताब को लेकर जाया जा रहा है। आफताब को लेकर आफताब क्यों मारा? देखिए इस समय आफताब को लेकर लाया जा रहा है। साफ तौर पे जो है वो आफताब को लेकर इस समय पुलिस जो है वो पहुंची है। पुलिस स्टेशन से सीधे आफताब को कुछ देर पहले लेके आई थी पुलिस। और अब आप देखिए सीधे जो आफताब है इस समय पुलिस की गिरफ्त में है। अभी तो बीच बीच में लीजिए। अरे आ रही नहीं आ रही है प्रेम यार। अब जो है पहुंची है जंगलों में, लेकर पहुंची है जहां पर आफताब ने जो श्रद्धा की बॉडीज के टुकड़े फेंके थे वो साफ तौर पे अब उन टुकड़ों को बरामद करने के लिए ही जो है वो पुलिस लेकर पहुंची है। सामने साफ तौर पे देखिए आफताब इस समय पुलिस के जो है वो घेरे में यहाँ पर जो है वो पहुंचा है और इसे लेके पुलिस जो है वो जा रही है। आफताब क्या कहना है आपका? आफताब क्या कहना है? आफताब कुछ कहने, कुछ तो बोल दो, कुछ तो कहो आफताब। देखिए आफताब कुछ अभी बोल नहीं रहा है। पुलिस जो है वो अभी से लेकर जंगल के अंदर जा रही है और उन टुकड़ों को बरामद करने की कोशिश की जाएगी, जिन टुकड़ों को लेकर लगातार जो है वो बातें कही जा रही थी। फिलहाल अब जो है वो आफताब जंगल के अंदर जा रहा है और उन सभी टुकड़ों को, उन 35 टुकड़ों में से 12 से 13 टुकड़े जो है बरामद किए गए थे, लेकिन अब जो है वो बाकी के टुकड़ों को बरामद करने के लिए आफताब को जो लेकर पुलिस पहुंची है। कुछ देर तक पुलिस यहां पर रुकेगी और आफताब को लेकर उन तमाम जगह जाएगी जहां जहां उसने श्रद्धा के टुकड़े फेंके हैं, श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े करके उसने फेंके थे। फिलहाल आप देखिए कि पुलिस ने आफताब को पूरी तरीके से जो है कवर किया हुआ है और आफताब कुछ बोल नहीं रहा है। सबसे बड़ी बात है आफताब कुछ बोल नहीं रहा है।
आफ्ताब कुछ कहना है? प्लीज प्लीज सुनो, देखिए देखिए आफ्ताब, अब पुलिस जो है वो पूरी तरीके से आफ्ताब को अपनी जो है वो अपने सिक्योरिटी में लिया हुआ है और तमाम लोगों की कोशिश जारी है कि आफ्ताब, देखिए सर अभी जंगल में अंदर सर्च करेंगे आप लोग, आफ्ताब कर लेना सर, क्या 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 रहेगा आगे सर? क्या अभी तक ये बता पाया, क्या उसने ये बताया सर कितना बड़ा जंगल है, कितने दायरे में, बस इतना बता दिए, बता दीजिए कई किलोमीटर में, कई किलोमीटर का दायरा है सर जंगल का? आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज प्लीज लेट अस डू आवर सर, कितना सर आप सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये बताइए अभी आप कितने अंदर तक जाएंगे, क्या बताया आपने जंगल के बारे में, प्लीज प्लीज जंगल के बारे में आपने क्या बताया? सर सर एक सर यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं सर आफ्ताब को, सर क्या सीन रिक्रिएट करने में लाया गया है? आज मेरे भूपेंद्र चैन बड़ा छोड़ दो, हां आज मेरे चैन बड़ा छोड़ दो, प्लीज हो जाओ प्लीज हो जाओ, बोलो आफ्ताब आपको शर्मिंदा है आपसे बात करके? आफ्ताब मैं उधर ही जा रहा हूँ, चले गए भाई। तो सुना आपने, मेहरौली का वही जंगल है जो कई किलोमीटर के दायरे में फैला है और यहाँ पर सीन रिक्रिएट कर जो श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स हैं उन्हें कलेक्ट करने के लिए एक बार फिर से आफ्ताब को लेकर पुलिस पहुंची है। इससे पहले मीडिया ने जी आपकी आवाज पहुंच रही है, मुझ तक बात करने की कोशिश की, लेकिन इस वक्त जी वो कुछ नहीं बोला। हालांकि आप अभी पुलिस की जो कार्रवाई है, जो जांच है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए देखिए बिल्कुल आपसे कुछ देर पहले, दो मिनट पहले ही पुलिस टीम जो है लेके पहुंची है आफ्ताब को। सामने देखिए, सामने जंगल के अंदर जहां जंगल घना होता है वहां पर पुलिस जो है मौजूद है और उसी जंगल के अंदर जो आफ्ताब को लेकर जो पुलिस पहुंची है, हम भी कोशिश करते हैं वहां तक पहुंचने की। हालांकि पुलिस लगातार जो है वो रोका हुआ है, पुलिस ने मीडिया को अंदर जाने से रोका हुआ है ताकि इन्वेस्टिगेशन में और जो सबूत इकट्ठे किए जाने हैं उनमें किसी तरीके की दिक्कतों का सामना ना आए, इसीलिए पुलिस ने जंगल के बिल्कुल जो एंट्री गेट है तो फिलहाल मीडिया को रोक दिया गया है। और जो आप देखिए कि घने जंगल में इस वक्त आफ्ताब को लेकर पहुंची है पुलिस, और क्योंकि ये स्वाभाविक सी बात है कि जांच इतनी सेंसिटिव है इस पूरे मामले की, किसी भी तरह के सबूत का हट जाना, खत्म हो जाना या इन्फ्लुएंस हो जाना, ये पुलिस रिस्क नहीं लेगी, और इसलिए मीडिया को बाहर रोक दिया गया। अब आप देखिए घने जंगल में अंदर जो भी वो रास्ता बता रहा है, ये सिर्फ एक एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1,00,000 तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।